आज की वीडियो में हम समझेंगे ये मॉड्यूल जो हमारा CA901 और एक आता है गोल्ड 27E, दोनों मॉड्यूल सेम होते हैं। इसमें कलर वायर के कलर डिफरेंस होते हैं और एक हमारा ये मॉड्यूल है जो कि 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक का, दोनों का कंपेरिजन करेंगे। और एक मॉड्यूल जो आपको स्टार्टिंग में बताया है 901, ये वर्क क्यों नहीं करता लगाने पर, उसके बारे में समझेंगे। और दोनों का यहाँ पे जो डिफरेंस है प्रीसेट का और उसमें जम्पर वायर का, उसको भी क्लियर इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस मॉड्यूल में 5 कलर यूज किए गए हैं जो कि ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो। अब देखिए इस मॉड्यूल के बारे में समझिए, यानी ये दोनों का। इसमें जैसे हमारे 5 वायर यूज किए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये पांचों कलर अलग अलग हैं। इसमें देखिए दो मॉड्यूल आते हैं, यहाँ पर CA901 गोल्ड 27E, दोनों के कलर में डिफरेंस होते हैं ये। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये डायग्राम जो है ये दोनों का सेम है, इससे आप कनेक्शन की टैली कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पीला कलर हो या वाइट कलर हो या कोई भी कलर हो, कहीं भी हो, तो इससे इस तरीके से आप डायग्राम को मैच करा के ये जो वायर को क्लियर कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्लियर। ये मॉड्यूल आप 4 वायर है, 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी में यूज करते हैं और हमारी सप्लाई ओके हो जाती है। यहाँ से हम वेरिएशन कर लेते हैं, जितने पे हमको वोल्टेज चाहिए वो हमारा 5 से 24 वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, इस मॉड्यूल को जो हम लगाते हैं 5 वायर ज्वाइंट करने के बाद अपने अपने जगह पे, तो भी ये काम नहीं करता। यानी इसके सेकेंडरी में, हमारी पावर सप्लाई की सेकेंडरी में कोई भी वोल्टेज रिलीज नहीं होते ये पांचों वायर के कनेक्शन करने के बाद। ऐसा क्यों है यहाँ पे, इसको समझें। इसके हिसाब से भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक IC की जो सप्लाई होती है इसको काम करने के लिए, जब ये काम करेगा तब ये स्विच करेगा, स्विचिंग होगी तभी हमारा जो है वोल्टेज रिलीज होगा सेकेंडरी में। अब फर्स्ट हम कनेक्शन जब कोई करते हैं तो जैसे देखिए रेड यहाँ पर हमने ड्रेन पे जोड़ दिया, 300 वोल्ट जो हमारी प्लस 300 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ इस वाइंडिंग पर ड्रेन, जो मॉस्फेट का ड्रेन है, ये हमारा वायर यहाँ पर जुड़ेगा। ये जुड़ने के बाद फिर ग्रीन आता है, ग्रीन हमारा ये एक्जुलरी सप्लाई है SMPS की, उस बाइंडिंग से एक डायोड जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पे जुड़ जाएगा। दो कनेक्शन हो गए। तीसरा कनेक्शन आता है ये हॉट ग्राउंड जो कि ब्लैक वायर है, तीसरा नंबर, ये हम अपना यहाँ पर 300 वोल्ट वाले जो मेंस फिल्टर है वहाँ पर जोड़ दिए। ये तीन कनेक्शन पूरा हो गया। फिर सेकेंडरी में आते हैं दो कनेक्शन के लिए, ये हमारा देखिए चौथा नंबर है वाइट कलर का, ये कूल ग्राउंड जहाँ पे हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पे कोई भी वोल्टेज है वहाँ पे जो ये ग्राउंड होता है ये सेकेंडरी का, वहाँ पे ये जुड़ जाएगा ये वाइट कलर। पांचवा कलर आता है कि जो हम 12 या 24 वोल्ट कोई भी चॉइस करते हैं वहाँ पे इसे जोड़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार यहाँ पे जम्पर को हम ज्वाइंट करते हैं। अब देखिए इतना कनेक्शन होने के बाद हम सप्लाई को ऑन करेंगे, देखेंगे आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिलता। वो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि स्टार्टिंग में जब हमारे ये वोल्टेज इन होते हैं 300 वोल्ट जो मेन, वो कहीं ना कहीं हमको स्टार्टिंग में यही हेल्प करता है जो कि एक स्टार्टिंग वोल्टेज होता है। क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो यही एक सप्लाई हमारा प्लस माइनस स्टार्ट होता है जो कि सीधे ड्रेन पर गया, इसके बाद इसको मिलनी चाहिए। अब ये ड्रेन पर सप्लाई आने के बाद ये काम तो करेगा नहीं कि ड्रेन पे आया और ये काम करने लगा। ये काम कब करेगा? जब इसको सप्लाई मिलेगी। अब इसमें देखिए सप्लाई केवल यहाँ पर जोड़ा हुआ है, अब इसमें सप्लाई कब आएगी? एक्जुलरी में, जब ये इसमें स्विचिंग होगा। ये स्विचिंग कब होगा? जब इसको सप्लाई मिलेगी। तो सब मिला के यहाँ पर एक स्टार्टिंग सप्लाई होनी चाहिए। वो स्टार्टिंग सप्लाई हम कहाँ से दे सकते हैं? देखिए हम उससे हम आपको क्लियर करते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में आप पूरे वायर कनेक्शन कर दिए तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज आने चाहिए, और वोल्टेज कब आएगा? जब स्विचिंग होगा, और स्विचिंग कब होगा? जब इसको सप्लाई मिलेगी।
सप्लाई कब मिलेगी, स्टार्टिंग सप्लाई होनी चाहिए, वो देखिए स्टार्टिंग सप्लाई यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक रेजिस्टेंस 220 के, यहाँ पे एक डायोड भी लगा सकते हैं, ऐसे। अभी हमारा डायोड हो गया 4007 और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 220 के हाफ वाट। अब ये जब आप इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये हमारा सप्लाई स्टार्टिंग में यहाँ पर आकर एक ट्रिगर देगा, वो ट्रिगर से यहाँ पे जो है इसको सप्लाई पिन नंबर 7 को मिल जाएगी। पिन नंबर 7 यानी ड्राइवर आईसी के पिन नंबर 7 पे जैसे ही सप्लाई ये पहुँचेगी, ये तुरंत गेट पल्स यहाँ से आउट होंगे, जिससे हमारा मॉस्फेट स्विच कर जाएगा। स्विच होते ही इसमें वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे, वोल्टेज जनरेट होते हैं तो तुरंत यहाँ पे इसकी जो रेगुलेशन है उसी के अनुसार यहाँ पे वोल्टेज फिक्स आ जाएंगे। यानी स्टार्टिंग में वोल्टेज यहाँ से मिलेंगे, फिर जब ये वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे बनने लगेंगे तो ये सप्लाई इसकी आईसी की यहाँ से मिलने लगेगी। तो ये हमारा 9 वोल्ट से 18 वोल्ट यानी 18 वोल्ट तक यहाँ पे ये काम करता है। देखिए सबसे पहले इसमें जो स्टार्टिंग सप्लाई मिली, इससे हमारा वोल्टेज रिलीज हुआ, वोल्टेज रिलीज होने के बाद सारे सिस्टम काम किए। लेकिन यहाँ पे एक और है जो आपको ध्यान देने हैं, जिसे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, ये जम्पर हमारा है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये जो हमारी हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 86 यानी 86 के रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 38, यानी दोनों के वैल्यू देखिए डिफरेंस है, यानी ये हाई वैल्यू है, ये लो वैल्यू है। जो हाई वैल्यू है वो 24 वोल्ट की तरफ रहेगा और जो लो वैल्यू है वो हमारा लो वोल्टेज यानी 12 वोल्ट की तरफ रहेगा। अब ये जो हमारा TL431 है और इसका TL431, इसमें प्रीसेट जो मैनुअली वोल्टेज को वैरी करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, इसमें फिक्स जम्पर के द्वारा किया गया है। इसके और इसके द्वारा आप टैली करके इसकी डिज़ाइन को डिफरेंस करके ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसकी वीडियो हम नेक्स्ट देंगे।